केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब केंद्र और राज्य में कांग्रेस थी तो उन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई वह हमने 8 साल में किया। 1500 करोड़ रुपए के बजट से हिमाचल प्रदेश में एम्स बनाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप उन्हें चाहते हैं जो राज्य में विकास का विरोध करते हैं या भाजपा जो विकास के लिए काम करती है? जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई हमने 8 साल में करने का किया है। बिलासपुर में 1500 करोड़ रुपए का एम्स, तो ऊना में पीजीआई 400 करोड़ का, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज 400 करोड़ का और 300 बिस्तर का अस्पताल, तो हमने बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, ऊना में ट्रिपल आईटी बनाया, 6-6 केंद्रीय विद्यालय मंजूर करवाए और अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो कांग्रेस ने दिया क्या, विरोध किया, केवल रुकवाने का काम किया है। और मैं तो आपको कहना चाहता हूं, ये विरोध करने वाली कांग्रेस चाहिए या विकास करके हिमाचल को आगे ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए मेरे भाई और बहनों?